तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों हाजिर हो चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग दो मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करने वाले हैं। पहली मूवी है यादुम और यावरम केलिर और दूसरी मूवी है पिछाईकरण टू। तो गाइज़ ये दोनों ही मूवीज़ तमिल मूवीज़ है और दोनों मूवीज़ एक डेट पर रिलीज़ की गई थी। दोनों मूवीज़ को रिलीज़ हुआ छठा दिन है। तो बात करेंगे छठे दिन पर ये दोनों मूवीज़ कितना कलेक्शन कर रही और इन दोनों मूवीज़ ने टोटल छः दिनों में कितना कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। इसके अलावा दोनों मूवीज़ के बजट की भी बात करेंगे और स्टार कास्ट की भी। तो अगर आप लोगों को भी जानना है तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो गाइस वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले बात करते हैं यादुम और यावरम केलिर मूवी की। तो गाइस ये एक तमिल मूवी है। मूवी के लीड में आपको तमिल सुपरस्टार विजय सेतुपति देखने को मिलने वाले हैं। मूवी के अगर मैं बजट की बात करूं तो इस मूवी का बजट है 12 करोड़ रुपए। आप लोगों को बता दूं ये मूवी 3 से 4 साल पहले अनाउंस की गई थी और ये मूवी पहले रिलीज़ हो जानी थी, लेकिन कुछ इशूज़ के कारण इस मूवी को डिले करते करते बहुत ज़्यादा लेट कर दिया गया और फाइनली अब ये मूवी थिएटर्स में रिलीज़ कर दी गई है। बात करें इस मूवी के कलेक्शन की तो इस मूवी को रिलीज़ हुआ छठा दिन है और पिछले 5 दिनों में जो इस मूवी ने इंडिया से ग्रोस कलेक्शन कर लिया है वो हो चुका है 6 करोड़ 15 लाख रुपए, जो कि देखा जाए इस मूवी ने अच्छा कलेक्शन कर लिया है। मूवी क्या छठे दिन के कलेक्शन की बात करूँ तो आज के दिन पर भी ये मूवी अच्छा कलेक्शन कर रही है और छठे दिन पर इस मूवी का इंडिया से ग्रोस कलेक्शन निकल कर आ रहा है 1 करोड़ 10 लाख रुपये। इस मूवी की अगर टोटल कलेक्शन की बात की जाए तो 6 दिनों में इस मूवी ने टोटल इंडिया से ग्रोस कलेक्शन कर लिया है 7 करोड़ 25 लाख रुपए की, जो कि इस मूवी ने बहुत ही बड़ा कलेक्शन कर लिया है क्योंकि इस मूवी का जो बजट है वो है 12 करोड़ रुपए। उसी हिसाब से देखें तो इस मूवी ने बहुत ही अच्छा कलेक्शन कर लिया है और ऐसे ही अगर ये मूवी कलेक्शन करती रही तो 4 से 5 दिनों में ये बजट अपना आसानी से कवर कर लेगी। उसके बाद ये एक सुपर डुपर हिट मूवी आसानी से बन जाएगी। बाकी इस मूवी के रिव्यूज़ की बात करो तो इस मूवी के रिव्यूज़ भी मिक्स देखने को मिले हैं। कुछ लोगों को ये मूवी पसंद आई है और कुछ लोगों को ये मूवी पसंद नहीं भी आई। आप लोगों ने अगर इस मूवी को देख लिया है तो मुझे कमेंट में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। अभी तक नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लेना। तो अभी बात करते हैं हमारी दूसरी मूवी पिछाईकरण 2 की। तो गाइस ये भी एक तमिल मूवी है। मूवी के लीड में आपको विजय एंथनी देखने को मिलने वाले हैं। बात करें मूवी के बजट की तो इस मूवी का बजट है 30 करोड़ रुपए का बड़ा बजट। मूवी के कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का भी रिलीज़ हुआ छठा दिन है और पिछले 5 दिनों में जो इस मूवी ने कलेक्शन कर लिया है इंडिया से ग्रोस कलेक्शन वो हो चुका है 25 करोड़ 40 लाख रुपए, जो कि इस मूवी ने बहुत ही बड़ा कलेक्शन कर लिया है। बात करें मूवी आज छठे दिन पर कितना कलेक्शन कर रही है तो छठे दिन पर इस मूवी का इंडिया से ग्रोस कलेक्शन निकल कर आ रहा है 2 करोड़ 20 लाख रुपए, जो कि इस मूवी ने बहुत ही बड़ा आज के दिन पर भी कलेक्शन किया है। मूवी के अगर टोटल कलेक्शंस की बात की जाए तो 6 दिनों में इस मूवी ने टोटल इंडिया से ग्रोस कलेक्शन कर लिया है 27 करोड़ 60 लाख रुपए की, जो कि देखा जाए इस मूवी ने बहुत ही बड़ा कलेक्शन कर लिया है और 1 से 2 दिनों में ये अपना बजट आसानी से कवर कर लेगी और ये भी एक बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट मूवी बनने वाली है। बाकी इस मूवी के रिव्यूज़ की बात करो तो इस मूवी का रिव्यूज़ पॉजिटिव में देखने को मिले हैं। लोगों को इस मूवी ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई है और इस मूवी की बहुत ज़्यादा तारीफ की है। आप लोगों ने अगर इस मूवी को देख लिया है तो मुझे कमेंट में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। अभी तक नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखना। इन दोनों मूवीज में से ज़्यादा अच्छी आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ऐसी ही और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।